तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारा ट्रेसिंग का आगे का पार्ट है कि जैसे हमने आपको बोला था कि ये ट्रेसिंग के बारे में एक एक करके हम आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि हमारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं लेकिन इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, या हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पहले चीज़ों के बारे में जानकारी तो ले ली है लेकिन उनको सही से सीखने को नहीं मिला है। जब सही से सीखने को नहीं मिला तो उनको लगता है कि यार ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही और हम अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं काम कैसे करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना करके दे रहा हूँ ताकि बड़ी हेल्पफुल हो, ताकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकें। और वो लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर देखिए जब आप मुझे वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट लोगों ने मैसेज किया जो लोग कहीं पैसा दे करके सीख रहे हैं इतना सीखने को नहीं मिला जितना इस वीडियो के माध्यम से उनको आसानी से फ्री में ही सीखने को मिल रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब एक ही मोटिव है ताकि आप लोग सीख जाएं और आप लोगों की हेल्प हो, आप लोग बैठ करके अपने काउंटर पर बैठ करके अच्छी तरीके से रिपेयरिंग का काम कर सकें। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक की आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है, वो ट्रैक काम कैसे करता है, लाइन चलती कैसे है। जैसे एग्जाम्पल सी बात है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये सप्लाई की लाइन है, यहाँ से ये पहले कैसे कैपेसिटर पर जाएगी, फिर रजिस्टर पर जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे होते हुए तब हमारी आईसी के अंदर चली जाएगी। उसी तरीके से फिर दूसरा ट्रैक है वो हमारा इस कैपेसिटर पर जाएगा, इस रजिस्टर पर जाएगा, रजिस्टर के बाद आगे जाएगा, इससे फिल्टर होते हुए आगे होते हुए तब हमारा आईसी के अंदर जाएगा। तो ऐसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक की कनेक्टिविटी होती है, इसी ट्रैक की कनेक्टिविटी को ही हम लोग ट्रेसिंग क्लास में सीखते हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग प्लस माइनस को कैसे चेक करते हैं, मतलब प्लस माइनस चेक करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आएगा उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग प्लस माइनस को चेक कर पाएंगे या ट्रैक को कैसे चेक कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। आज हम आपको जो वीडियो देने वाले हैं कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में ट्रैक आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं, ट्रैक का आपस में कनेक्शन कैसे होता है, किस ट्रैक का कनेक्शन कहाँ पर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, चलिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रैक चेकिंग के ऊपर। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है कि मोबाइल फोन के अंदर जो ट्रैक्स आते हैं वो ट्रैक को चेक कैसे किया जाता है। ट्रैक चेकिंग करने के लिए जितने भी सारे लोग हैं जो लोग ट्रैक को चेक करते हैं, ट्रैक चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करना होता है। जब आप मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट कर लेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जैसे मान लीजिए एग्जांपल सी बात है, ये आपका पीसीबी है, ये आपका पीसीबी प्लेट है, इस प्लेट के अंदर मान लीजिए एग्जांपल से ये आपका ये कंपोनेंट लगा हुआ है, कंपोनेंट के दोनों पॉइंट सिल्वर हैं, इधर भी सिल्वर है, इधर भी सिल्वर है, आप इसको चेक कैसे करेंगे। चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट कर लेंगे, बी पॉइंट पर सेट कर लेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जो रेड पिन होती है उसको ग्राउंड पर कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाली वायर से चेक करेंगे। क्या करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रख लेंगे, ब्लैक वाली वायर से चेक करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट में चेक करने पर आपको वैल्यू आएगी, एक पॉइंट में चेक करने पर आपको बीप आएगी, जिस पॉइंट पे बीप आती है वो माइनस होता है, जिस पॉइंट पे वैल्यू आती है वो पॉइंट क्या होता है, प्लस होता है। अगर मान लिया आपने किसी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को एक्स वाई जेड में आपको बताता हूँ, अगर मान लिया आपने इसको चेक किया, इसमें से इस तरफ से भी वैल्यू आ रही, इस तरफ से वैल्यू आ रही, मतलब इसके दोनों टर्मिनल काय के हैं, पॉजिटिव के हैं। अगर आपने चेक किया कि इसके दोनों तरफ से बीप आ रही है तो मतलब ये टर्मिनल माइनस का है, इसका ये वाला टर्मिनल भी माइनस का है। तो मल्टीमीटर से जब हम लोग चेक करेंगे तो चेक करने पर यदि दोनों टर्मिनल वैल्यू देते हैं तो दोनों टर्मिनल पॉजिटिव होते हैं, यदि दोनों टर्मिनल पर बीप आती है तो इसका मतलब दोनों टर्मिनल हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा चेक करने का तरीका होता है, जिस तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन में हम लोग ट्रैक को चेक करते हैं कि रेड पिन को ग्राउंड पर रख करके ब्लैक से चेक करेंगे तो जिस पर वैल्यू आएगी वो प्लस होगा, जिस पर बीप आएगी वो माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस चेक करने का तरीका है कि हमारे पास जो भी बोर्ड आता है उस बोर्ड के अंदर हम लोग प्लस माइनस को कैसे चेक करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो ट्रैक लगे हुए हैं वो प्लस माइनस की कौन सी पोजीशन में लगे हुए हैं या उनको कैसे चेक करेंगे। चलिए मैं इसी चीज़ को मैं आपको मदरबोर्ड में चेक करना सिखाता हूँ, मदरबोर्ड में आपको थोड़ा समझाता हूँ, हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पे ले चलते हैं।
ये देखिए, जैसे आपका एग्जांपल से एक कंपोनेंट लगा हुआ है, इस कंपोनेंट में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद जो रेड पिन होती है, रेड पिन को ग्राउंड पे लगा देंगे। रेड पिन को कहाँ पे लगा देंगे? ग्राउंड पे लगा देंगे। ग्राउंड पे लगाने का मतलब होता है जब रेड वाली पिन को यहाँ पर लगा दोगे, जब आप चेक करोगे तो इसमें एक पॉइंट में चेक करने पर वैल्यू आएगी, इसके एक पॉइंट में चेक करने पर बी पाएगी। जिस पॉइंट पे चेक करने पर बी पाएगी वो पॉइंट आपका क्या होगा? माइनस होगा। जिस पॉइंट पे वैल्यू आएगी वो पॉइंट आपका क्या होगा? प्लस होगा। जैसे आपने इस पे चेक किया, इस पे चेक करने पर इधर से भी वैल्यू आ रही है, इधर से वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों टर्मिनल प्लस हैं। तो मतलब ये कंपोनेंट, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो इस तरीके से कंपोनेंट जो होते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में पोजिशन में लगे होते हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्रैक चेकिंग का आगे का पार्ट समझते हैं। ये तो मैंने प्लस माइनस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, ताकि जो मैंने पिछला समझाया था वो आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हम लोग आगे का समझ सकेंगे। अच्छा, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो एक फॉर्म में लगे होते हैं। फॉर्म का मतलब जानते हो? एक लाइन में लगे होते हैं, एक वे में लगे होते हैं, एक हिस्से में लगे होते हैं, ट्रैक में लगे होते हैं। तो कैसे ट्रैक में लगे होते हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा सा दोस्तों आपको सीरीज पैरेलल के बारे में आपको समझना पड़ेगा। किसके बारे में समझना पड़ेगा? सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स एक लाइन में लगे होते हैं वो हमारे सीरीज में कहलाते हैं, जो कंपोनेंट दो लाइन के बीच में लगे होते हैं वो हमारे पैरेलल पोजीशन में लगे होते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपका ये ट्रैक है, इस ट्रैक में ये आपका लगा हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज पोजीशन। तो ये जो कंपोनेंट्स आपका लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज पोजीशन। अब अगर मान लिया तुम किसी दूसरे कंपोनेंट को चेक करते हो, अगर मान लिया जैसे एक लाइन लगी है, इस लाइन के बीच में ऐसे लगा हुआ है, तो ये कंपोनेंट जो लगा हुआ था ये हमारे कौन से पोजीशन में है? पैरेलल पोजीशन में है। कुल मिलाकर का देखा जाए जो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसके दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, जैसे आपने ग्राउंड से चेक किया, इसका इस हिस्से पे वैल्यू आ रही है, इस पे वैल्यू आ रही है, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस। आपने इस पे चेक किया, इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे वैल्यू आ रही है, ये भी प्लस ये भी प्लस। आपने चेक किया, इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे वैल्यू आ रही है, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस। इसका मतलब होता है जिस कंपोनेंट में दोनों टर्मिनल एक होते हैं, दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, तो यानी इधर का भी प्लस उधर का भी प्लस। तो इससे क्या होगा, सप्लाई आगे की तरफ पास होते हुए चली जाती है, फिल्टर होते हुए आगे की तरफ पास होते हुए चली जाती है, आगे सप्लाई पास होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब करंट यहाँ से आएगा, करंट यहाँ से आने के बाद फिर आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए आगे निकल जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी, लेकिन जब अगर यही करंट पैरेलल पोजीशन में लगा होता है तो पैरेलल पोजीशन में क्या होता है, करंट पहले यहाँ पर आता है, फिर यहाँ फिल्टर होता है, फिर आगे जाता है, फिर फिल्टर होता है, फिर आगे जाता है, फिर फिल्टर होता है, फिर आगे जाता है। मतलब एक लाइन में तो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन ये फिल्टर होकर के तब आगे बढ़ता है। तो इधर से भी करंट आता है, फिल्टर होता हुआ है, फिल्टर होते हुए फिल्टर होता है, तब आगे जाता है। तो ये हमारा जो ट्रैक होता है ये पैरेलल पोजीशन में लगा होता है। पैरेलल पोजीशन का मतलब होता है इसमें करंट फिल्टर होते हुए जाता है, इसमें करंट सीधे पास होते हुए चला जाता है। तो ये सीरीज पोजीशन होती है। सीरीज में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सप्लाई को आगे की तरफ पास करने का काम करते हैं, जो पैरेलल में हमारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सप्लाई को फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। अच्छा, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक होते हैं दो ही कनेक्शन पोजीशन में लगे होते हैं, या तो सीरीज पोजीशन में लगे होते हैं या तो पैरेलल पोजीशन में लगे होते हैं। कभी ऐसा कोई ट्रैक नहीं बना कि मतलब या तो सीरीज सीरीज में लगा हो या तो पैरेलल पैरेलल में लगा हो। मतलब जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सीरीज पैरेलल दोनों पोजीशन में मिलकर के बने होते हैं। कैसे लगे होते हैं मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि सीरीज पैरेलल आप चेक कैसे करेंगे। जैसे मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फोन की प्लेट आ जाती है, जैसे मान लिया आपकी पूरी प्लेट आ जाती है, मैं प्लेट में समझाता हूँ। ये जैसे मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में आपने चेक किया, इस मदरबोर्ड में चेक करने पर क्या होता है, आपने रेड पिन को ग्राउंड पर रख लिया। मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके समझाता हूँ। रेड पिन को आपने ग्राउंड पर रख लिया, ब्लैक से चेक किया, तो इधर पे चेक करने पर वैल्यू आई, तो मतलब ये कनेक्शन यहाँ से वैल्यू आ रही है और इधर भी वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये करंट सीरीज पोजीशन में लगा हुआ है। आपने चेक किया, इधर भी वैल्यू आ रही, इधर वैल्यू है, तो ये मतलब ये कंपोनेंट सीरीज पोजीशन में लगा हुआ है।
अगर आपने देखा जैसे एक कंपोनेंट लगा है तो इसमें इस तरफ तो वैल्यू आ रही है लेकिन इस तरफ से बीप आ रही है, तो मतलब ये इसका माइनस हो गया, पैलर हो गया। तो ये पैलर पोजिशन लगा, तो यहाँ से करंट आएगा, इधर से होते हुए ही आगे चला जाएगा, लेकिन करंट आगे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन सीरीज पोजिशन में जो कंपोनेंट होता है, यहाँ से होते हुए आएगा, इस पर जाएगा, इससे होते हुए तब आगे कहीं ना कहीं आगे जाएगा। तो मतलब ये जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे सीरीज में होती है, और सप्लाई जो एक ही साइड से फिल्टर होकर के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे पैरेलल पोजीशन में लगी होती है। अब चलिए हम लोग जो बात करते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में कैसे ट्रैक होते हैं, मदरबोर्ड में ट्रैक की कनेक्टिविटी कैसे होती है। देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसे एक्स वाई जेड एग्जाम्पल के तौर पर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ये आईसी लगी हुई है। अब आईसी को काम करने के लिए यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आने के बाद यहाँ पर बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद फिर आपके सप्लाई लगी होती है, मान लीजिए ऐसे डायोड लगा है, फिर ऐसे कॉइल लगा हुआ है, फिर आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ, फिर सप्लाई जा रही है आईसी के अंदर। तो करंट हमारे मोबाइल फ़ोन में सिस्टम क्या होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में करंट यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से होते हुए डायोड पे जाएगा, कॉइल से पास होते हुए आगे रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर से पास होते हुए आईसी पे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो करंट, जो कंपोनेंट लगे हुए थे, अगर आप देख रहे थे तो ये जितने सारे कंपोनेंट जो लगे हुए थे ये क्या काम कर रहे थे, ये सप्लाई को पास कर रहे थे। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये सप्लाई को क्या कर रहा था, फिल्टर कर रहा था, करंट को साफ कर रहा था। अगर आप देखेंगे जैसे एक आईसी के लाइन में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल सी बात है, ये आपका कैपेसिटर लगा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद सप्लाई आईसी भी चली गई, तो ये जो करंट यहाँ पर आएगा इस कैपेसिटर से फिल्टर होगा, रजिस्टर से प्योरीफाई होगा, और ये आगे आपके आईसी पे चला जाएगा। यहाँ पर बात देखने वाली बात ये आ जाती है कि ये हमारे जो करंट लगा हुआ, ये हमारा जो सर्किट है, ये हमारा सर्किट पैरेलल पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, पैरेलल पोजीशन में। आप चेक कैसे करेंगे, जैसे एक पिन को आपने मान लिया यहाँ पर रख लिया, आपने देखा ये यहाँ से बीप आ रही है, आपने आगे चेक किया आगे बीप नहीं आ रही है, आपने ग्राउंड से चेक किया तो ग्राउंड से चेक करने पर वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आने का मतलब क्या, इधर का हिस्सा क्या है, प्लस है। जब इधर का हिस्सा प्लस है तो ये करंट आगे ही जाएगा। फिर आपने जैसे इस पर चेक किया, इस पर चेक करने पर यहाँ से बीप आ रही है, आपने ग्राउंड से चेक किया तो फिर आपने तुरंत ग्राउंड से चेक करने पर ये बीप दे देता है, तो बीप देने का मतलब ये रहता है कि ये माइनस है और ये वाला हिस्सा क्या है, प्लस है। जब ये वाला हिस्सा प्लस है, ये वाला हिस्सा माइनस, तो ये करंट हमारा आगे चलता हुआ चला जाएगा। जब आगे चलता हुआ करंट चला जाएगा तो रजिस्टर पर जाएगा, रजिस्टर में चेक करेंगे तो इस तरफ से वैल्यू आएगी, इसमें जब हम चेक करेंगे तो इस तरफ से वैल्यू आएगी, तो मतलब ये सप्लाई हमारी फिर आगे पास होते हुए चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये हमारा सीरीज पोजीशन में लगा है। सीरीज में जो भी सप्लाई में कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सप्लाई में आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो पैरेलल पोजीशन में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सप्लाई में फिल्टर होते हुए लगे जाते हैं। अगर सीरीज पैरेलल की अगर असलियत टेस्टिंग की अगर बात करी जाए तो जिस कंपोनेंट्स के अंदर यदि दोनों टर्मिनल प्लस प्लस होते हैं या दोनों टर्मिनल माइनस माइनस होते हैं तो ये सीरीज पोजीशन में होता है। यदि जिस कंपोनेंट्स के अंदर आप चेक करते हैं एक हिस्सा प्लस होता है दूसरा हिस्सा माइनस होता है, या एक हिस्सा माइनस होता है दूसरा हिस्सा प्लस होता है, तो ये कंपोनेंट्स आपके पैरेलल पोजीशन में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं, पैरेलल पोजीशन में लगे होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है समांतर पोजीशन में लगे होते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल फ़ोन में काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने आज आपको मदरबोर्ड के अंदर सीरीज पैरेलल के बारे में कैसे चेक किया जाएगा, ये सीरीज पैरेलल को चेक करने का तरीका क्या है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको वीडियो आपको दिया हुआ है कि जैसे कंपोनेंट्स है आपने चेक किया, यदि इसके दोनों टर्मिनल यदि प्लस प्लस हैं तो ये सीरीज है, दोनों टर्मिनल माइनस माइनस हैं तब भी सीरीज है, यदि इसका एक हिस्सा प्लस है और एक हिस्सा माइनस है, या ये हिस्सा माइनस है ये हिस्सा प्लस है, तो ये कंपोनेंट्स हमारा पैरेलल पोजीशन लगा है, इसमें करंट इधर से आएगा और इधर से ही चला जाएगा। अगर सीरीज में लगा है तो करंट इधर से आएगा और आगे होते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, ये ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है, कि जो भी मोबाइल फ़ोन आएंगे उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बेसिकली जो ट्रैक की कनेक्शन होता है या ट्रैक की जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल के बारे में जाना है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सीरीज पैरेलल को हम लोग कैसे चेक करेंगे, या सीरीज पैरेलल को चेक करने का तरीका क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है।
जो लाइन सप्लाई होती है उस लाइन सप्लाई को कैसे चेक किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने दोस्तों आपको वीडियो आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपकी वीडियो जो मैंने आपको समझाया है उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि सर आप मुझे ट्रेसिंग के बारे में थोड़ा समझाइए, ताकि बाकी सब चीज़ें हैं तो मैं बेसिक के माध्यम से आपके बारे में सीख चुका हूँ या सॉफ्टवेयर के बारे में भी काफ़ी चीज़ों के बारे में सीख चुका हूँ, लेकिन ट्रेसिंग के बारे में जो आप लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है अगर आप हम लोगों को सिखा ही रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप उनको अच्छे से सिखाएं, ताकि आपको भी समझ में आए और हम भी सिखाने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। अगर आप इन सब चीज़ों को देख करके इस तरीके से सीख जाते हैं तो आज अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के फील्ड में देखा जाए दोस्तों तो इस लाइन में क्या होता है, थोड़ा सा हैंड स्किल का भी बहुत इशू रहता है कि आपका रिपेयरिंग के लाइन में आपका हाथ साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये सारा जो भी वीडियो हम आपको बना करके देते हैं ये सारा डेमो वीडियो होता है, ताकि इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से हमको सिखाया जाता है, या जो सर हमको सिखाएंगे जिस टॉपिक के बारे में आज हमको बताया है वो टॉपिक हमको पूरा समझ में आया कि नहीं आया, क्या हम उसके माध्यम से मदरबोर्ड में चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी सवाल आपके दिमाग के अंदर उठते हैं वो अगर वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एक एक करके आपको सब चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी मेरे पास एक बाराबंकी के रहने वाले हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स को ज्वाइन किया है, वो कह रहे हैं सर हम आपकी वीडियो को कम से कम 5 से 6 महीने हो गए वीडियो को देखते देखते और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि चलिए क्यों ना मैं मोबाइल मुझे मैंने सोचा था पहले ऐसे ही कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया जाए, हो सकता है इसमें बेनिफिट फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में डाउट्स आ रहे थे। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था उसकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान थी और वो दुकान अच्छी तरीके से चला रहा है और उसने खुद मुझे बोला कि यार तुम फ्री रहते हो बार बार इधर उधर जॉब के चक्कर में परेशान रहते हो, क्यों ना यार तुम भी ये सीख करके अपना काम स्टार्ट कर लो। भाई कौन ऐसा है कि तुम भाई अगर दुकान खोलोगे तो मेरे बगल में खोलोगे, तुमको 15-20 किलोमीटर दूर खोलना है, हम दोनों लोग साथ में पढ़े। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे सलाह दी कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ 4-5 साल हो गए मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, तुम 4-5 साल से कहीं इस जॉब के चक्कर में कहीं उस जॉब के चक्कर में तैयारी करते कहीं परेशान घूम रहे हो, तो क्यों ना भाई तुम भी सीख लो, तुम भी कुछ अपना काम धंधा स्टार्ट कर लो। तो कह रहे सर आपकी वीडियो के माध्यम से मुझे उससे पता चला और उसने ही मुझे वीडियो भेजा। जब से मैं आपसे वीडियो देख रहा था पहले मैं सोचता था मैं सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा, कम से कम 6 महीने लगा दिया ऐसे सोचते सोचते। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो यार नौकरी के चक्कर में ऐसा हम परेशान घूमते रहेंगे तो कब तक ऐसे हमारी लाइफ कटेगी, तो क्यों ना हम इस चीज़ को सीख लेते हैं और सीखने के बाद फिर हम अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं आप लोगों से मिलाऊंगा भी कि कैसे उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया, और ये कोर्स सीखने में समथिंग 45 दिन का समय लगता है, 45 दिन के अंदर आप बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का कंप्लीट सफर तय करते हैं। बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, टैबलेट्स, सभी फ़ोन के बारे में आप ए से लेकर जेड तक रिपेयरिंग करना आप सीखते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होती है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर स्टेशन के नियर अबाउट है, मात्र कानपुर स्टेशन से 200-250 मीटर दूरी पर पड़ता है। कानपुर स्टेशन के पास में एक मार्केट पड़ती है सागर मार्केट, ये सागर मार्केट मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर दुनिया जान के जितने भी सारे लोग होते हैं अगर उनके मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो उसको सागर मार्केट ही बनवाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ पर सीखने का बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको लाइव प्रैक्टिकल मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ख़राब या डेड स्क्रैप मोबाइल फ़ोन पर ही कहीं सीखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आती तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, जिसमें आपको किसी भी टाइम पे फ्री होकर के या सर को कॉल करके या आप हमको पर्सनली कॉल करके जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर 6391711711 6391211211 इस पर आप जब कॉल करेंगे या वीडियो कॉल करेंगे तो आपके अमित सर से बात होगी, वो आपको पूरे वीडियो कॉल से आपको पूरा दिखाएंगे ट्रेनिंग सेंटर को, कैसे क्लास होती है, कैसे सिखाया जाता है, क्या क्या सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या सामान मिलेगा, क्या टूल्स मिलेगा, क्या औजार मिलेंगे, सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। इस चीज़ से संबंधित मैंने और भी वीडियो मैंने इसके लिंक में डाल रखी हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में और अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो पड़ा है, तो आप उन वीडियो को भी देखें, ताकि अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको नई नई जानकारी इकट्ठा होगी और नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.